गर्मियों का मौसम। गर्मियों की शाम है। गट्टू और चिंकी अपने दोस्त बंटी और गुड्डी के साथ प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे थे। लाओ चिंकी, जल्दी से बॉल मुझे पास करो। ये लो गट्टू। चिंकी फुटबॉल को एक जोर का किक मारती है, पर बंटी बीच में ही उसे पकड़ लेता है। अच्छी कोशिश थी चिंकी, पर ये बॉल तो अब मेरी है। लाओ बंटी, बॉल मुझे पास करो। ये लो गुड्डी। अरे वो देखो, कुल्फी वाले अंकल आ गए। सारे बच्चे अपना खेल छोड़कर कुल्फी लेने के लिए भागते हैं। कुल्फी लेकर सब वापस ग्राउंड में जाकर बैठ जाते हैं और अपनी कुल्फी एंजॉय करते हैं। कितनी ठंडी और मीठी मीठी है ये कुल्फी, तो बहुत मस्त है, खाकर मजा ही आ गया। हाँ सच में, सारी थकान दूर हो गई, और इसे खाने के बाद तो बिल्कुल गर्मी भी नहीं लग रही है ना। हाँ एकदम ठीक कहा तुमने गुड्डी। सब बच्चे अपनी कुल्फी एंजॉय करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुँचते ही गट्टू और चिंकी मम्मी को ढूंढने लगते हैं। मम्मी 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 कहाँ है आप? हाँ बच्चों, मैं किचन में हूँ। जाओ जल्दी से हाथ मुँह धोकर आओ, मैं तुम दोनों के लिए ठंडे ठंडे आम काट रही हूँ। अरे वाह मम्मी, हम भी आते हैं हाथ मुँह धोकर। फिर गट्टू और चिंकी जल्दी से हाथ मुँह धोकर बाहर आते हैं और टीवी देखते हुए ठंडे ठंडे आमों का मजा लेते हैं। कमरे में कूलर भी चल रही थी और गट्टू और चिंकी बारी बारी से कूलर के आगे बैठ रहे थे। वाह कितने मीठे और रसीले आम है ना चिंकी। हाँ गट्टू बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये आम तो बहुत ही मीठे है। अच्छा चलो हटो भी चिंकी, अब कूलर के आगे बैठने की बारी मेरी है। अरे बस 2 मिनट और रुक जाओ ना गट्टू, फिर मैं हट जाऊंगी। ओहो जल्दी करो चिंकी, मुझे भी कूलर की ठंडी ठंडी हवा खानी है। आओ गट्टू अब तुम्हारी बारी, आकर बैठ जाओ कूलर के आगे। वाह क्या बात है, गर्मियों के मौसम में कूलर के सामने बैठकर ऐसे ठंडे ठंडे आम खाने का मजा ही कुछ अलग है। गट्टू और चिंकी खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। शाम को बहुत गर्मी हो रही थी और गट्टू और चिंकी को बहुत पसीना भी आ रहा था। इससे बचने के लिए वो मम्मी से स्विमिंग पूल में पानी भरने के लिए कहते हैं। मम्मी आप हमारे स्विमिंग पूल में पानी भर दीजिए ना, देखिए ना कितनी गर्मी हो रही है, स्विमिंग पूल में नहाकर हम दोनों को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ मम्मी प्लीज जल्दी से स्विमिंग पूल में पानी भर दीजिए, मुझसे तो अभी ये गर्मी सही नहीं जा रही है। हाँ हाँ बच्चों क्यों नहीं, मैं अभी स्विमिंग पूल लेकर आती हूँ। फिर मम्मी जल्दी से स्विमिंग पूल तैयार कर देती है और गट्टू और चिंकी अपनी स्विमिंग ड्रेस पहनकर स्विमिंग पूल के अंदर छलांग लगाते हैं। वाह मजा आ गया, कितना ठंडा ठंडा पानी है स्विमिंग पूल में। आहा ऐसा लग रहा है जैसे सारी गर्मी गायब ही हो गई हो। गट्टू स्विमिंग पूल के मजे ले ही रहा था कि चिंकी अपनी वाटर गन से गट्टू पे निशाना लगाती है। अरे चिंकी ये क्या किया तुमने? मजा आया बेटा गट्टू, देखो ये है मेरी सुपर गन जो गर्मी को दूर भगाएगी। हाँ बहुत अच्छी है तुम्हारी गन। ऐसे ही गट्टू और चिंकी खूब देर तक स्विमिंग पूल के मजे उठाते हैं और मम्मी भी दोनों बच्चों को ऐसे खेलते हुए देखकर खुश होती है। थोड़ी देर बाद मम्मी दोनों को आवाज लगाती है। गट्टू चिंकी चलो बच्चों अब स्विमिंग पूल से बाहर आ जाओ, अब ज्यादा देर पानी में मत रहो, वैसे भी सूरज ढल रहा है और रात होने वाली है। फिर गट्टू और चिंकी पूल से बाहर आ जाते हैं और कपड़े चेंज करने चले जाते हैं। कपड़े चेंज करके दोनों अपने घर की बालकनी में बैठकर पापा के आने का इंतजार करते हैं। रात हो चुकी थी और आसमान बिल्कुल साफ था। गर्मियों के मौसम में आसमान के सभी तारे बहुत साफ दिखाई देते हैं। गट्टू और चिंकी इन तारों को देख रहे थे, तभी पापा आ जाते हैं। अरे वाह बच्चों, मेरे इंतजार में बैठे थे क्या तुम दोनों? हाँ पापा और क्या। हाँ पापा हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा अच्छा। फिर गट्टू भागकर पापा के लिए जल्दी से एक पानी का ग्लास ले आता है। ये लीजिए पापा पानी पीजिए, आप थक गए होंगे ना? हाँ थक तो मैं बहुत गया हूँ गट्टू, बाहर सच में बहुत गर्मी है। अच्छा बताओ तुम दोनों ने आज क्या क्या किया? हमने तो आज कुल्फी खाई और गुड्डी और बंटी के साथ खूब खेला। हाँ और हमने ठंडी ठंडी कुल्फी और मीठे मीठे आम भी खाए। फिर हम स्विमिंग पूल में भी खेले, आज का दिन बहुत अच्छा था पापा। अरे वाह
ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। सुनकर लग रहा है कि तुम दोनों ने खूब मजे किए। सब लोग आ जाइए, साथ में खाना खाते हैं। चलो बच्चों, मम्मी सबको खाने के लिए बुला रही हैं। फिर सारा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता है। तभी पापा का ध्यान चिंकी की तरफ जाता है। वो अपनी प्लेट से खीरा, ककड़ी और टमाटर निकाल कर अलग रख रही थी। चिंकी बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? सलाद क्यों नहीं खा रही हो तुम? पापा, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे नहीं खाना है। चिंकी, क्या तुम्हें पता है कि गर्मियों में खीरा, ककड़ी और टमाटर हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी होता है? गर्मियों में हमारी बॉडी से सारा पानी बहुत तेजी से गायब हो जाता है और हमारी बॉडी में पानी की कमी हो सकती है। इसलिए हमें ऐसे फल और सब्जियां खाने चाहिए जिसमें खूब सारा पानी हो। इस खीरे और टमाटर में बहुत सारा पानी स्टोर होता है, इसलिए ये हमारी बॉडी की पानी की जरूरत को पूरा करता है। इसलिए गर्मियों में सलाद जरूर खाने चाहिए। हाँ चिंकी, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा मम्मी, ठीक है पापा, मैं समझ गई। अब मैं रोज खीरा और टमाटर खाऊंगी। फिर चिंकी अच्छे से अपना सारा खाना खाती है और सब लोग खाना खत्म करके साथ में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। इसके बाद मम्मी सबके लिए मैंगो शेक बनाकर लाती है। वाह मम्मी, मैंगो शेक, मजा आ गया। अरे वाह, आज तो डेजर्ट में मैंगो शेक है, क्या बात है। इसे कहते हैं ना असली डेजर्ट। चलिए बातें मत करिए, अब सब लोग मैंगो शेक पीते हैं। वाह मम्मी, कितना टेस्टी है ये शेक, मजा ही आ गया सच में। सच में गर्मियों में आम से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ बच्चों, ये मैंगो शेक तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। मम्मी आप हमें कल भी मैंगो शेक बनाकर पिलाइएगा, और परसों भी, और उसके अगले दिन भी, रोज सारी गर्मियों भर। गट्टू की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और गट्टू भी उनके साथ हंसने लगता है। हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं, मैं तुम्हें रोज ऐसे ही टेस्टी टेस्टी मैंगो शेक बनाकर पिलाऊंगी, ठीक है? अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।